हिसाब से यार ये एक अच्छा काम किया है, क्योंकि इस जगह बहुत ज्यादा अपग्रेड की जरूरत थी और फाइनली भाई उन्होंने वो चीज़ है वो अपग्रेड कर दी है। मेरे हिसाब से ये प्लस पॉइंट होएगा जो इस फोन को लेने जा रहे हैं सैमसंग की तरफ से। तो भाई आखिरकार सैमसंग का गैलेक्सी M31s है वो आपको इंडिया में वो आप देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर ऑफिशियल जो लॉन्च डेट है वो रिवील कर दी है सैमसंग ने, साथ में क्या प्राइस पॉइंट इस स्मार्टफोन की हो सकती है या आपको क्या स्पेक्स देखने को मिलेंगे, सभी चीज़ें हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब इससे पहले यार मैंने एक वीडियो और अपलोड की थी सैमसंग गैलेक्सी M31s के अपने चैनल पर शायद एक या दो वीक पहले, और लगभग उसी के आसपास आपको ये फ़ोन है वो देखने को मिला है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं, और ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा आपका, बिल्कुल शॉर्ट में मैं वीडियो रखने की कोशिश करूँगा और बिल्कुल जो चीज़ें बतानी चाहिए सारी जो चीज़ें हैं मतलब वो सभी आपको क्लियर हो जाएंगी। बात करते हैं सबसे पहले एक बैक साइड से कि बैक साइड से या बिल्ड क्वालिटी के मामले में, डिज़ाइन के मामले में फ़ोन आपको कैसा मिलता है। यहाँ पर बैक साइड में आपको क्वाड रियर कैमराज का ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, सेटअप आपको देखने को मिलता है। सेम दोस्तों आपको सैमसंग गैलेक्सी M31 में भी देखने को मिला है, और कैमरा के स्पेक्स में भी आपको कुछ डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिलेगा, लगभग उसी के आपको स्पेक्स हैं वो देखने को मिलेंगे, उनको हम थोड़े आगे कवर करेंगे। बात करते हैं दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की, तो पॉलीकार्बोनेट की आपको बिल्ड क्वालिटी है वो इस फ़ोन में वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों ग्लास का यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये एक इशू रहता है सैमसंग के फ़ोन्स में कि वो ग्लास नहीं देते हैं चाहे फ़ोन की प्राइसिंग कितनी भी हो, तो ये एक मेरे हिसाब से माइनस पॉइंट है। बट अगर आप डिज़ाइन को देखो तो गैलेक्सी M31 जैसा ही आपको मिलता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो इस फोन में दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात है क्योंकि चांसेस बढ़ गए कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो देखने को मिल जाए इस फोन में। और यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जो कलर ऑप्शंस हैं वो आपको थोड़े से डिफरेंट देखने को मिलेंगे इन कंपैरिजन M31 के। मुझे लगता है कि जो बिल्ड क्वालिटी, जो पॉलीकार्बोनेट की क्वालिटी होगी वो M सीरीज की तुलना में आपकी बार थोड़ी बेटर देखने को मिलेगी, जैसा कि आपको A सीरीज के फोन्स में देखने को मिल जाती है, तो ये एक चीज़ अच्छी हो सकती है। बट ग्लास की बैक मेरे हिसाब से इस प्राइस में मस्ट थी, वो इन्होंने नहीं दी है, तो ये एक चीज़ है। बाकी आपके ऊपर है कि आपको पसंद आता है फ़ोन पॉलीकार्बोनेट के साथ या नहीं आता है दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के मामले में M31 से तो अपग्रेड आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे आप M30s की तुलना में देख लो। यहाँ पर आपको पंच होल देखने को मिल जाएगी दोस्तों फ्रंट में, जैसा कि आपको सैमसंग गैलेक्सी A51 में देखने को मिली थी, बीच में आपको इन्फिनिटी ओ टाइप आप बोल सकते हो इस डिस्प्ले को, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, वाटर ड्रॉप आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा डिस्प्ले की क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी जैसे कि सैमसंग में अक्सर होती है, बट फिलहाल कुछ फोन्स में उनकी नहीं थी वो क्वालिटी, बट यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड की डिस्प्ले आपकी बार फाइनली देखने को मिल जाएगी। फुल HD प्लस का रेजुलेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, डिस्प्ले साइज आपको 6.5 इंच से ऊपर का ही देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ प्रोटेक्शन की, तो गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगी, 5 की देखने को नहीं मिलेगी, तो डिस्प्ले वाइज फोन ठीक रहेगा, कोई इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कैमरा की, तो फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, बैक साइड में आपको जो कैमरास देखने को मिलेंगे जिनमें 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का खुद का सेंसर दोस्तों रहने वाला है ब्राइट GW1, इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल का लेंस, साथ में 5.5 मेगापिक्सल के आपको डेप्थ और मैक्रो लेंस है वो देखने को मिल जाएंगे। तो कैमरा के मामले में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस आपको वन टेक एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ से आप वीडियो और फोटोज है वो कई एक साथ है वो क्लिक कर सकते हैं, तो ये एक नया फीचर है। बट देखते हैं किस तरीके से काम करेगा ये सैमसंग के फोन्स में, और क्या इसके बेटर रिजल्ट निकल कर आएंगे या क्या कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा बाकी स्मार्टफोन के कंपैरिजन में, और कैमरा कितना इंप्रूव होता है तो ये भाई जब फोन आएगा तभी पता लगेगा, क्योंकि यार काफ़ी जो ISP WSP है वो इस फोन की भी सेम रहेगी M31 जैसे, तो फोन आएगा तभी हम कह पाएंगे कि कैमरा कितना आपको बेहतर है वो देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के मामले में हमेशा से ही हमें निराशा हाथ लगती आई है, यहाँ भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी। एक्सोनस का 9611 आपको दोबारा से एक बार फिर इस फोन में देखने को मिलेगा, 10nm के चिपसेट है, कोटेक्स के A73 के बहुत पुराने जमाने के कोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से इस प्राइस सेगमेंट में अब यार इसको छोड़ देना चाहिए, कोई नया चिपसेट इनको लेना चाहिए। यहाँ पर गेमिंग वेमिंग के हिसाब से तो मैं फ़ोन आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर आप गेमिंग के अलावा बाकी मल्टीमीडिया यूज के लिए आप कह सकते हो कि थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस वाला चिपसेट अगर आपको इस प्राइस सेगमेंट में चल जाएगा तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो। ओवरऑल एक बेसिक यूज़ के लिए, एक आप कह सकते हो मल्टीटास्किंग के लिए ठीक ठाक आपको चिपसेट है वो देखने को मिल जाएगा, बट गेमिंग पर्पज़ से अगर आप देखे हो तो 720G से काफ़ी बेटर चिपसेट आपको देखने को मिलेगा। इसकी परफॉर्मेंस आप कह सकते हो कि 712 से थोड़ी कम आपको देखने को मिलती है, 710 से भी थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलेगी, तो उस लेवल का दोस्तों ये चिपसेट है। ज़्यादा हाई आपको जैसे कि 730G, 720G, G90T है उनके जैसी आपको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा परफॉर्मेंस के साथ। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको One UI 2.0 देखने को मिल जाएगी सैमसंग की ओर से, इसके अलावा एंड्रॉयड 10 के ऊपर आपको ये फ़ोन है वो देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। इसके अलावा ट्रिपल सिम स्लॉट आपको देखने को मिल जाएगा,
यहाँ पर दोस्तों एक खास चीज़ है इसकी बैटरी, बैटरी आपको 6000 mAh की जैसा कि एम सीरीज में देखने को मिलती आई है वही देखने को मिलेगी, जो कि अच्छी बात है। टाइप सी का पोर्ट है USB 2.0 पोर्ट के साथ। लेकिन अपग्रेड वाली चीज़ दोस्तों ये है कि आपको आपकी बार यहाँ पर 25 वाट का चार्जर है वो देखने को मिल जाएगा 15 वाट की जगह, तो एक अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। यार ये एक अच्छा काम किया है क्योंकि इस जगह बहुत ज़्यादा अपग्रेड की जरूरत थी और फाइनली भाई उन्होंने वो चीज़ है वो अपग्रेड कर दी है। मेरे हिसाब से ये प्लस पॉइंट होएगा जो इस फ़ोन को लेने जा रहे हैं सैमसंग की तरफ से, क्योंकि बाकी अगर फोन्स में देखो तो आपको 15 वाट की इनकी फोन्स में देखने को मिल रही है, यहाँ पर 25 वाट देखने को मिलेगा। लेकिन यार एक चीज़ है, इनका जो 25 वाट है वो इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी A70 में आपको 25 वाट का चार्जर देखने को मिला है 4500 mAh की बैटरी के साथ, और उसमें तो चिपसेट भी काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिलता है। वो फ़ोन चार्ज होने में फुल 2 घंटे से ऊपर का टाइम लेता है, तो इस फ़ोन में देखने वाली बात होगी कि क्या थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन है वो बेहतर कर सकते हो, क्योंकि 25 वाट इनका मुझे थोड़ा स्लो लगता है इन कंपैरिजन जो बाकी कंपनी आपको देती हैं। या 30 वाट के कंपैरिजन में देखो तो 25 वाट जो नंबर के हिसाब से थोड़ा स्लो आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर लॉन्च डेट की, तो 30 जुलाई को 12 बजे दोस्तों दोपहर में ये फ़ोन है वो फाइनली लॉन्च हो जाएगा, और अमेज़ोन पर इसका टीज़र भी आ चुका है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर अमेज़ोन पर ये आपको देखने को मिलेगा। तो चांसेस ज़्यादा हैं आपके कि आपको फ्लैश सेल में फ़ोन है वो देखने को मिल जाए थोड़ा जल्दी, और जल्दी आपका बुक हो जाए इन कंपैरिजन फ्लिपकार्ट के, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पेमेंट करने में आसानी रहती है मेरे हिसाब से इन कंपैरिजन फ्लिपकार्ट के। बाकी अगर रैम वेरिएंट की बात करते हैं तो 6GB 128GB का आपको कन्फर्म ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो इसकी प्राइस पॉइंट हो सकती है वो आपको 17,000 से 18,000 रुपये देखने को मिलेगी 6GB 128GB के लिए, तो ये एक चीज़ है। बट आई होप कि आपको 4GB वाला वेरिएंट भी इस फोन में देखने को मिल जाए, होता है तो अच्छी बात होती है। बट बाकी ये इस फोन के बारे में आप बताने कि आपको फ़ोन कैसा लगा है, कि आप 17,500 रुपये इस फोन के देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे, नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, वीडियो में आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए जय भारत। और पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को आप जरूर प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि आप ऐसी आगे की वीडियो देख सको।